Good morning friends. Today we are going to discuss about polynomial. In my previous class, I already gave some introduction part of polynomial. Today we are continuing further, right? Polynomial. We just discussed introductory part of the polynomial. In that I discussed some important terms, which is variable, constant, whole number, and in previous lecture we discuss degree of polynomial, right? How to calculate degree of polynomial? How to calculate? I considered some examples. Today I am consider again one example, like I am having polynomial four x to the power 7, 6 x to the power 5 plus 5 x minus 2, right? I am having this expression. So what I will see? I will see the highest power of the variable. Here highest power is 7, right? In this expression, highest power is x to the power 7. Here the power of x is 1, here the power of x is 5, and here the power of x is 7. Means the highest power is 7, so the degree of this polynomial is 7, right? I hope you all recall old lecture. Variable, variable means no fixed value, constant, constant means those who are having fixed value throughout the question. Whole numbers are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on, right? I gave some examples also. Variable ke liye maine aapko kuch example bhi diye the. Again I am repeating that example so that we can continue further. Like you are studying in class 9th, suppose I make a group of girls. Class 9 ki girls ka humne ek group banaya aur maine agar usme age sabki dekhni hai to kya sabki age same hogi? Nahi, age sabki different ho sakti hai. Though they are studying in class 9, but their age can be different because har person ki age same to hoti nahi hai. तो एज यहां पर क्या हुआ? इट इज एक्टिंग लाइक अ वेरिएबल, मींस उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है. एंड क्लास 9 की गर्ल्स ली है मैंने, मींस जेंडर इज फिक्स. वी आर टॉकिंग अबाउट गर्ल्स ओनली, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बॉयज, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली गर्ल्स. तो यहां पर अगर हम कॉन्स्टेंट देखें तो गर्ल्स क्या है? कॉन्स्टेंट है. कॉन्स्टेंट मतलब दोज हु आर हैविंग फिक्स्ड वैल्यूज. एंड वेरिएबल यहां पर क्या है? सारी लड़कियों की एज. एज इज अ वेरिएबल. तो इन दिस एग्जाम्पल हमने केवल बात करी एक वेरिएबल की. ऐसे कई वेरिएबल्स हो सकते हैं. इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं. अगर हमने क्लास 9 के बच्चे लिए हैं, उसमें हमने उनकी एज देखी है, अगर हम उसके साथ साथ उनकी हाइट भी देखें तो सारी गर्ल्स की हाइट क्या सेम होगी 9th क्लास के बच्चों की? नहीं. कोई 5 फीट भी हो सकती है, कोई 5 फीट 2 इंचेस भी हो सकती है, कोई 5'4" भी हो सकती है. तो एज भी डिफरेंट होगी और हाइट भी डिफरेंट होगी. तो यहाँ पर क्या हुआ? दो वेरिएबल हो गए, राइट? अब हमने गर्ल्स को हटा के ग्रुप को गर्ल्स एंड बॉयज का कर दिया, अगेन एक वेरिएबल इंक्रीज कर दिया. तो देयर आर सो मैनी वेरिएबल्स पॉसिबल इन वन क्वेश्चन. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल्स, राइट? सेम विथ पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स के जो जनरल डिनोशन है मैंने आपको बताए थे, पी एक्स, पी वाई, एफ आर, एफ टी, एफ एक्स, वट एवर यू लाइक. इसमें मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि दिस इज नॉट कंपल्सरी. आप जो भी अल्फाबेट, 26 अल्फाबेट हमारे पास होते हैं, आप जो भी अल्फाबेट यूज करना चाहें वो अपनी कन्वीनियंस से यूज कर सकते हैं. पॉलिनोमियल का
पी लिया लेके हमने एक छोटा सा पी एक्स बनाया हुआ है, बट ये कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। बट इन नोटेशंस में आपने एक चीज नोटिस करी कि केवल यहां पर एक ही वेरिएबल है, तो क्या ये जरूरी है कि पॉलिनोमियल एक ही वेरिएबल का होगा? नहीं, पॉलिनोमियल कैन हैव टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, लाइक टू वेरिएबल भी हो सकते हैं, थ्री वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, बट इन नाइन्थ क्लास वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑनली वन वेरिएबल, राइट? हम नाइन्थ क्लास के लिए केवल एक ही वेरिएबल पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। बट आपको फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि ये जो वेरिएबल्स और नोटेशंस हमने लिए हैं, ये 26 अल्फाबेट्स में से जो आपको चूज करना है वो आप ले सकते हैं। दीज आर जस्ट कन्वीनियंट डिनोशंस, राइट? सो आफ्टर रीडिंग नोटिफिकेशंस, पॉलिनोमियल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज होती है जो हमें नोटिस करनी है कि पॉलिनोमियल में टर्म्स कितनी है, एक है, दो है, तीन है, चार है, कोई भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसमें बहुत सारी टर्म्स हो सकती हैं, राइट? तो वो अब हम डिस्कस करेंगे। लाइक आई एम कंसिडरिंग टू थ्री एग्जाम्पल्स सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि हाउ मेनी टर्म्स आर इन दिस पॉलिनोमियल, राइट? सपोज सिंगल टर्म है तो दैट इज कॉल्ड मोनोमियल, अगर उस पॉलिनोमियल में दो टर्म है तो वो कहलाएगा बाइनोमियल, अगर उस पॉलिनोमियल में तीन टर्म है तो वो कहलाएगा ट्राइनोमियल, एंड सो ऑन। और फिर जब बहुत सारी टर्म्स हैं तो वो बन जाएगा पॉलिनोमियल, ठीक है? मोनोमियल, मोनोमियल मीन्स ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें केवल एक ही टर्म हो, बाइनोमियल मीन्स जिनमें दो टर्म हो, ट्राइनोमियल मीन्स जिनमें तीन टर्म हो, और अगर बहुत सारी टर्म है, तीन या तीन से ज्यादा, देन इट विल बिकम अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हम कितनी भी टर्म्स ले सकते हैं, मीन्स एन नंबर ऑफ टर्म्स पॉसिबल है, राइट? मोनोमियल, आई एम गिविंग एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल, लाइक आई हैव पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू फोर। इस पॉलिनोमियल में केवल एक ही टर्म है, फोर, मीन्स दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल। और एग्जाम्पल लेते हैं, आई हैव पॉलिनोमियल एफ वाई, उसमें टर्म जो है दैट इज टू वाई, बट दिस इज अगेन अ सिंगल टर्म, दिस इज अगेन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल। और एक आध एग्जाम्पल लेते हैं, पॉलिनोमियल इज पी आर एंड द टर्म इज आर स्क्वायर, अगेन ये एक टर्म है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल। मीन्स फ्रेंड्स, वॉट इज द मीनिंग ऑफ मोनोमियल? मोनोमियल मीन्स ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें केवल एक ही टर्म हो, बाइनोमियल। कुछ एग्जाम्पल अपन नया लेते हैं, बाइनोमियल लाइक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू फोर एक्स प्लस फोर। अब यहां पर आपको कितनी टर्म दिख रही है? दो टर्म, वन टू, देर आर टू टर्म्स, फोर एक्स एंड फोर, सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स जिन पॉलिनोमियल्स में दो टर्म्स हो, ना एक हो ना तीन हो, केवल दो टर्म्स हो, जो यहां पर दिख रही है फोर एक्स एंड फोर, सो दिस पॉलिनोमियल इज कॉल्ड बाइनोमियल।